आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। बहुत सारे भक्तों का बार बार यही प्रश्न आता है कि हमारे यहाँ गुड़हल का फूल नहीं मिलता, और गुड़हल का फूल मिलता भी है तो लोग रात में चोरी कर लेते हैं, या फिर मार्केट में जब मैं खरीदने जाता हूँ तो शॉर्ट हो जाता है, यानी मिलता नहीं, यानी उपलब्ध नहीं होता। तो उस अवस्था में हमें माँ के लिए कौन सा फूल उत्तम है, कौन सा पुष्प माता के लिए चढ़ाने चाहिए जिससे माता अति प्रसन्न होती हैं, इस बारे में मैं आप सभी को पूरी जानकारी दूंगा जो आपसे संभव हो सके और आप उसे कर सकें, और जिससे आपको गुड़हल के फूल से भी ज़्यादा आपको फल प्राप्त हो सके और माता आपसे अति प्रसन्न हो सके। क्योंकि मैं जो जानकारी आप सभी को बताने जा रहा हूँ, ये जानकारी आज से पहले YouTube पे नहीं पड़ी है। देखिए, सबसे पहली बात, ये बात सत्य है कि माता को लाल रंग से अति प्रिय है। चाहे वो फूल हो, वस्त्र हो, चाहे कोई भी आभूषण हो, माता रानी को लाल रंग से विशेष प्रेम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं से खोज के लाएं, भले ही आपके शहर में ना होता हो, आपके देश में ना होता हो। कई जगह ऐसा देखा जाता है कि अगर आप जयपुर वगैरह चल जाएं, रेगिस्तान में उगते ही नहीं है, तो क्या वहाँ नवरात्रि व्रत नहीं भूखे जाते हैं? चाहे आप कश्मीर जैसे क्षेत्र में चल जाएं, अगर वहाँ बर्फीली पहाड़ियों के बीच में अगर वो नहीं फूल रहा है, नहीं खिल रहा है, तो क्या वहाँ के भक्त लोग नवरात्रि व्रत नहीं करते हैं, माता का ध्यान साधना नहीं करते हैं, क्या वो मूर्ति स्थापना नहीं करते हैं, क्या वो घट स्थापना नहीं करते हैं? वे भी भली भांति सब तरीके से करते हैं, बस वो गुड़हल के फूल के लिए सोच में पड़े होते हैं। तो आप सब भक्त लोग का मैं आज डाउट क्लियर करने वाला हूँ कि ये लाल रंग का गुड़हल का फूल के लिए सबसे उत्तम उपाय क्या हो सकता है, कि अगर वो ना उपलब्ध हो मार्केट में, चाहे आपके देश में, आपके प्रदेश में, चाहे आप जहां भी रहते हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए सर्वोत्तम जो पहले स्थान पर आता है कि आप जो है माता जगत जननी को नीम के पत्ते अर्पित कर सकते हैं, यानी चढ़ा सकते हैं। नीम का पत्ता का या तो आप पत्ता तोड़ के स्वयं उनके चरणों पर स्थापित कर दें, और या तो आप क्या कर सकते हैं, नीम के पत्ते को जो है सुरुक के, यानी उनके पत्तों को आप खींच के निकालेंगे तो सारी पत्तियां अलग हो जाएंगी, उनका जो है आप एक धागा लेके भली भांति एक सुई से आप जो उसको पिरो के आप उसका माला अर्पण कर सकते हैं माता जगत जननी को। क्योंकि माता रानी जितना गुड़हल के फूल से प्रेम करती है, उससे 100 गुना अधिक माता नीम के पत्र से प्रेम करती है। जिस प्रकार भगवान शिव को बेलपत्र अति प्रिय है, उसी प्रकार माँ जगत जननी को नीम के पत्र अति प्रिय है। आपने कई दादी कई कहानियों में आई कई ग्रंथों में ये सुना, ये पढ़ा होगा कि माता जो है नीम के झूले में माता झूला झूलती हैं। माता को नीम के पत्ते से अति प्रेम है, भले वो कड़वी होती है, तीखी होती है, लेकिन वो हमें लगती है तीखी और कड़वी, लेकिन जो देवी देवता है उनको अति मीठी लगती है। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं कि अगर आपके शहर आपके एरिया में अगर फूल नहीं मिल रहा हो तो परेशान मत होइए, आप जो है नीम के पत्ते का उपयोग कर सकते हैं। चाहे आप जो है माता के चरणों पे रख दीजिए, या तो उसका जो है आप शुरू के आप उसका माला बना दें। केवल नीम के पत्ते ही नहीं, आगे मैं बताने जा रहा हूँ बिलपत्र के पत्ते की माला, ठीक है, उसके बाद नींबू की माला, उसके बाद लौंग की माला, और जो सबसे उत्तम है जैसे मानस फूल, जो मन के अंदर गढ़ के फूल जो अर्पित किया जाता है, उसके बारे में भी मैं जानकारी दूंगा। तो वीडियो पे आप आखिरी तक बने रहिए कि केवल नीम के पत्ते ही नहीं, और भी कई सारे उपाय हैं जो माता रानी को अति प्रिय है, फूलों से भी ज्यादा प्रिय है। तो अब हम चलते हैं नंबर 2 की तरफ। जैसे कि आप सभी को भली भांति मालूम है कि शिवदूती कहलाती हैं आदि शक्ति जगदम्बा, यानी माता शिवदूती, यानी शिव का अंश मानी जाती है माता जगत जननी। इसी प्रकार अगर आप माता जगत जननी को बिल्वपत्र अर्पित कर रहे हैं तो आपको अत्यधिक आशीर्वाद प्रदान माता जगत जननी करेंगी। क्योंकि जिस प्रकार भगवान शिव को जो जो विषय वस्तु प्रिय होती है, उसी प्रकार माता जगत जननी को भी प्रिय होती है। आप कई मंदिरों में देखे होंगे आप सभी लोग कि माँ का जो पिंडी होती है, पिंडी, 3 पिंडी होती है माता जगत जननी की, उसमें जो है हमेशा बिल्वपत्र उनकी पिंडी के ऊपर रखा जाता है। पता नहीं आप सभी ने देखा है कि नहीं देखा है। तंत्र साधना और जहाँ तांत्रिक विद्या होती है, जहाँ माता आदिशक्ति प्रत्यक्ष रूप में विराजमान होती है, जहाँ पिंडी बनी होती है, वहाँ हमेशा गुड़हल के फूल भले नीचे रहेंगे, लेकिन बिल्वपत्र हमेशा पिंडी के ऊपर रखा जाता है। तो या तो आप बिल्वपत्र उनके आप स्थान पर रख सकते हैं माता जगत जननी के, या तो उसकी भी माला गूंथ के आप पहना सकते हैं माता जगत जननी को। इससे भी आपको विशेष लाभ होगा, और फूलों की अपेक्षा जो है बिल्वपत्र जो है अति उत्तम रहेगा। और बिल्वपत्र में जो है
कुछ दिन तक बासी का दोष भी नहीं लगता है। अगर बिलपत्र अगर आपके पास ना भी मिल सके लेकिन कहीं से आप लेके आए हैं तो उसे फिर से आप प्रोक्षण करके गंगा जल द्वारा आप फिर से उसे पहना सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। यानी 5-6 दिन 7 दिन के बाद आपको बदलना पड़ेगा, यानी कुछ समय तक जब तक आपको ना मिले तब तक आप बिलपत्र चढ़ा सकते हैं, उसको दोबारा पुनः उपयोग में लिया जा सकता है। ठीक है, अब चलते हैं नंबर 3 की ओर। नंबर 3 पे आता है नींबू की माला। आपने अधिकांश महाकाली के मंदिर में आपने देखा होगा कि महाकाली हमेशा जो देखते होंगे उनके मंदिर में उनकी मूर्ति पे नींबू की माला रहती है, चाहे वो 21 नींबू की हो, चाहे वो 51 नींबू की हो, चाहे 108 नींबू की हो। जैसी जितनी बड़ी प्रतिमा होगी उस हिसाब से आप नींबू मार्केट से लाके आप उसे एक धागे में पिरो के और आप जो है माता रानी को भी अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि माता जगत जननी ही सब क्योंकि माता जगत जननी से ही सभी देवी रूप उत्पन्न हुई है, तो यानी माता रानी को भी आप नींबू की माला अर्पित कर सकते हैं। लेकिन एक बार आप ध्यान दीजिएगा कि नींबू की माला को आप जो व्रत रह रहे हैं उनसे आप पिरोने के लिए कदापि ना कहिएगा, क्योंकि नींबू बलि स्वरूप माना जाता है। तंत्र विद्या में नींबू का बहुत ही मुख्य उपयोग किया जाता है, इसी के लिए जो नवरात्रि व्रत में है वो ना ही नींबू काटे ना ही उसका भेदन करें, भेदन यानी छेद भी ना करें। तो आप सभी को नींबू की जानकारी मैं बता दिया कि जैसे महाकाली को चढ़ाई जा सकती है नींबू की माला, वैसे ही आदि शक्ति को भी चढ़ाई जा सकती है, क्योंकि माता आदि शक्ति का ही स्वरूप माता भद्रकाली है चाहे महाकाली है। अब रही बात कि कई लोगों को मैंने बता दिया कि नीम की और बिल्वपत्र की और नींबू की, तो अगर ये तीनों चीज आपको ना मिल सके, आप ऐसी जगह हो कि तीनों चीज मिलना असंभव है और उसके बावजूद इसमें मुरझाने और बासी आदि का दोष लग ही जाता है, तो ऐसा कोई फूल बताया जाए जिसमें बासी आदि का दोष नहीं लगता है और वो हर जगह आसानी से उपलब्ध हो जाए, उसे ज्यादा खोजने की आवश्यकता ना पड़े, तो उसके लिए सबसे उत्तम है लौंग का फूल। जी हाँ, तंत्र विद्या में वशीकरण विद्या में सबसे प्रमुख लौंग आता है। लौंग की फूल आपको सूखी होने के कारण यानी सूखी अवस्था होने के कारण आपको उसके गुण और उसके चमत्कार और उसके रहस्य के बारे में कुछ भी पता नहीं है कि वो लौंग अपने आप में कितना शक्तिशाली होता है और एक देवी चाहे एक देवता को कितना प्रिय होता है एक लौंग का फूल। इंसानी दिमाग सोचते हैं कि जो खिल गया वही फूल है और जो सूख गया वो फूल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अति प्रिय है, उससे भी प्रिय दौना का पत्र है। दौना एक तुलसी की तरह एक पौधा होता है, उसमें बहुत ही सुगंधित खुशबू आती है उसके पत्तों में। भगवान विष्णु कहते हैं कि अगर वो 1 महीना तक अगर मुरझाया हुआ हो फिर भी आप उसे अर्पित करें तो बहुत प्रसन्न रहते हैं, उसी प्रकार लौंग का फूल होता है। आप उसे एक बार भले उपयोग में लें लेकिन वो भले ही सूखी अवस्था में होता है लेकिन आप उसे भगवान को चढ़ा सकते हैं, अर्पित कर सकते हैं। और उसकी माला यानी आप फूल जब लें मार्केट से लौंग की, तो आप ये ध्यान रखें कि जिसकी भी फूल की आप माला बनाएं या तो 21 गांठ ही माला बनाएं, यानी 21 बार गांठ बांध के आप माला बनाएं, जितनी बड़ी प्रतिमा हो चाहे फोटो रूप में हो चाहे वो मूर्ति रूप में हो, चाहे 21 हो 21 गांठ लें या 51 गांठ लें या 108 गांठ लें और उसे बांध के आप प्रतिमा के हिसाब से आप माला बना के भगवान को अर्पित करिए, देवी भगवती को अर्पित करिए कि माता फूल ना मिलने के कारण यानी पुष्प ना मिलने के कारण मैं प्रेम पूर्वक इस माला को आपको अर्पित कर रहा हूँ, इसे स्वीकार करें। आप देखिएगा आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आना शुरू हो जाएगा। माता जगत जननी को लौंग के फूल भी अति प्रिय है, इसमें दो राय बिल्कुल नहीं है। आप मार्केट से लौंग की फूल लाके आप या तो उनके चरणों पे आप रख सकते हैं या तो आपके पास समय हो तो लाल रंग के धागे से आप बांध के यानी गांठ बांध के आप जितनी बड़ी प्रतिमा हो उस हिसाब से आप लौंग का फूल बांध के माँ को अर्पित करिए, इससे आपको बहुत ही लाभ मिलेगा और व्रत का पूर्ण फल आपको अवश्य मिलेगा। ये केवल कही कहाई वाली बात नहीं है, ये सारी बातें हमारे पूर्ण अनुभव और साथ ही मेरे गुरुजन का पूर्ण अनुभव मैं आप सभी को बता रहा हूँ। ये कदापि मत सोचिएगा कि वीडियो को ग्रो करने के लिए ज़्यादा वॉच टाइम के लिए व्यू पाने के लिए मैं ये सारी बातें कह रहा हूँ। मैं 9 दिन का खुद व्रत में हूँ तो मैं ये सारी बातें झूठ कभी नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं वैसे ही झूठ नहीं बोलता हूँ तो इस व्रत की अवस्था में झूठ कैसे बोल सकता हूँ। तो इस बात को आप पूरी विश्वास के साथ आप इसका पालन करिएगा, आपको फल अवश्य मिलेगा। फिर भी एक लास्ट उपाय जो मैं आपको बताने वाला था, जो मानस पुष्प यानी मानस फूल का मतलब ये होता है जो मन के द्वारा गढ़ित फूल, यानी आप मन में सोचिए ध्यान लगाकर माता आप या तो नील कमल हो, लाल कमल हो, या गुड़हल का फूल हो, या प्रजात
या अपराजिता का फूल हो या कोई भी पुष्प हो, आप उसे आप ध्यान माध्यम से यानी मन से आप सोचकर आप माँ को अगर अर्पित करते हैं तो वो फूल सबसे सर्वोत्तम होता है। क्योंकि कहीं कहीं आपने देखते हैं हिमालय की चोटी पे, कहीं 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 घने वन में जो है तपस्वी साधक लोग जो है ध्यान साधना करते हैं, वे कहीं उठ के जा ही नहीं सकते हैं, ठीक। और कहीं हिमालय में ये सारे पौधे होंगे भी नहीं कि वहां से वो पुष्प तोड़ के ला सकें। तो उन लोगों को ये भली भांति ज्ञान होता है कि मानस फूल सबसे सर्वोत्तम पुष्प में से एक माना जाता है, जो मन के द्वारा गढ़ के भगवान को अर्पित किया जा सकता है। और उस फूल में तो बासी आदि का भी दोष नहीं लगता है। आप जिस प्रकार चाहें, जितना बड़ा चाहें, जितना छोटा चाहें, जिस रंग का चाहे, आप उसे मन में कल्पना करके माँ को अर्पित कर सकते हैं। केवल माता जगत जननी को ही नहीं, संसार के समस्त देवी देवता को उनके प्रिय फूल के रूप में आप मन से गढ़ के आप उन्हें अर्पित कर सकते हैं। तो फूलों की दुनिया में ये सारी जानकारी बहुत ही अद्भुत है। ये सारी जानकारी लेने में मुझे कई सालों का समय लग गया है। भले ही ये वीडियो में, भले 10 मिनट की वीडियो में मैं आप सबको ये सारी बातें बता दी और आप सबको भली भांति इसका ज्ञान हो गया, लेकिन ये सारी जानकारियाँ मुझे हासिल करने में कई सालों का समय लग गया है। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि ये सारी बातें बताने के लिए मुझे पूर्ण अनुभव करने के बाद ही मैं बता सकता हूँ, क्योंकि कही कहाई वाली बातों पर मैं भी विश्वास नहीं करता हूं। इसीलिए ग्रंथों का अध्ययन करता हूं, नोट्स बनाता हूं, ताकि मैं आपको सही जानकारी पहुंचा सकूं, ताकि किसी के मन में यह संदेश ना पहुंचे कि यह पता नहीं सही बोला जा रहा है कि नहीं बोला जा रहा है, इसका पालन करूं या ना करूं। अगर मेरी जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।